और दोस्त लोग क्या हाल है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि तैयारी कैसे चल रही है। चल रही है, नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं बीच में आप लोगों ने बंद कर दिया हो। तो अगर बंद कर दिया है ना तो आप फिर से स्टार्ट करो यार, वरना एक बार सब गायब हो जाएगा तो गायब ही हो जाएगा, फिर दिक्कत बड़ी हो जाएगी पेपर टाइम। मैं हूँ अनुपम राज और आज मैं कराने जा रहा हूँ जुलाई 2013 का साइंस का सेक्शन, ठीक है ना। पेपर टू में जिनके लिए साइंस है उनके लिए ये वीडियो है। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल टीचरीफाई, आप लोग सब्सक्राइब कर देना यार, कर दोगे यार वीडियो देखने के बाद। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नहीं 61 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं, इन चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो इन चारों चरणों का हमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, है ना। गड्ढा खोदा, उसमें हमने रेत की परत डाल दी। उसके बाद क्या करना है, कचरे को गड्ढे में डालना है। अब क्या करना है, अब गड्ढे में केचुए डालिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये सब बना के उसके बाद गड्ढे को क्या ढक देना, किस चीज से, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा बी होगा, फिर ए होगा, फिर होगा हमारा डी सी। बी ए डी सी, देखो यहाँ पे बी ए डी सी कोई मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन बी ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है ना। मतलब एक क्या कर रहा है, जल आवास और पोषक तत्व प्रदान कर रहा है और दूसरा भोजन बना रहा है, वो इसको दे रहा है। तो है ना, एक दूसरे से संबंध है इनका, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सहजीवन है। यहाँ पे कौन सा संबंध है, सहजीवन, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, है ना। यहाँ पे परजीविता की बात क्या करता है, वो दूसरे पे मृत लोगों पे जीवित रहता है। स्वपेशी मतलब खुद ही बनाता है, खुद ही अपना भोजन करता है। विषमपोषी क्या है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट करता है ना, दूसरे को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे का ही फायदा कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सहजीवन है, तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि, पहला ऑप्शन है ग्रास नली या ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, गुरुत्व बल लगता है, हष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई बल नहीं लगता है, ना ही गुरुत्वीय बल लगता है, और तरल पदार्थ तो होता है लेकिन यहाँ पे तरल पदार्थ की वजह से नहीं, जबकि ये जाता है हमारा ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। जैसे कि हमारी ग्रास नली है तो ये जहाँ जो इसकी अंदर की वॉल होती है वो क्या करती है, कभी कभी संकुचित होती रहती है, संकुचित होती है। तो इसकी वजह से जो हमारी खाने का जो चबाहे वो खाना होता है, लुगदी जो बन जाती है, वो धीरे 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 क्या होती है, नीचे आ जाती है, अमाशय तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। किस तरह की त्वचा होती है दोनों की है, शुष्क एवं रूक्ष। देखो शुष्क मतलब सूखा होता है, रूक्ष मतलब खुरदरा, ठीक है। शुष्क एवं श्लेष्मी, श्लेष्मी का मतलब होता है चिपचिपा टाइप की, है ना। तो आर्द्र और शुष्क, आर्द्र और रूक्ष, आर्द्र और श्लेष्मी है। तो ये होती है जो मेंढक और केचुआ होती है, इनकी दोनों की जो हमारी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, आर्द्र होती है, है ना। और ये क्या होती हैं, चिपचिपी होती हैं, छूने पे क्या होता है, चिपचिपे लगते हैं और आर्द्र होते हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्रा ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया, अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दी गई सारणी में लिखा। ये तो सारणी उसने बना ली, बस की समस्त यात्रा मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी, मतलब जो चाल है उसकी क्या है, औसत चाल निकालनी है हमें मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे 8 बजे उसने काउंटिंग स्टार्ट करी थी, हर 10 मिनट के बाद उसने काउंट किया और ये 9 बजे उसकी जो है यात्रा समाप्त हो गई। ओडोमीटर का पाठ्यांक क्या था, 78,752 पे था, फिर 10 मिनट के बाद उसने काउंट किया, नोट करी और आखिरी में जब वो अपने जो है डेस्टिनेशन पर पहुंच गई तो 78,806। अब देखो हमारा औसत चाल क्या होती है, औसत चाल कैसे निकलती है, कुल चली गई दूरी, कुल चली दूरी बटे कुल समय, कुल लगा समय, ये होता है ना औसत चाल जो होती है हमारी, कुल चली गई दूरी निकाल लो और कुल लगा समय निकाल लो, डिवाइड कर दो आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये देखें कि 8 बजे वो चलती है और 9 बजे तक पहुंच जाती है, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 8 से 9 तक, मतलब 1 घंटे टोटल लगा ना उसको, 1 घंटा। अब ओडोमीटर का पाठ्यांक मतलब इतने उसका पाठ्यांक यहां से स्टार्ट किया था, यहां पहुंची, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब इसमें से इसको हटा दो कितना हो जाएगा, 7, 8,
806 में से 78752 घटाओगे कितना बचेगा, 4 और ये 54 आ जाएगा, यानी 54 किलोमीटर हो गया। 54 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना लगा हमारा, 1 घंटे। सिंपल सी बात है, अब क्या करना हमको, साफ साफ डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं करना हमको। डिवाइड करने का क्या मतलब है, देखो 54/1 घंटे यानी 54 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन हमें क्या पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये घंटा है तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 × 60 है ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा घंटा था तो ये सेकंड में हो गया। अभी ये क्या था, ये हमारा था किलोमीटर, ये हो गया हमारे मीटर में। तो क्या है, 2 0 यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ से कट जाएगा, और 6 × 54 9 बार चला जाएगा, और यहाँ से फिर से कट जाएगा, 3 3 93 और 3 2 6, और यहाँ से 2 से 5 कट जाएगा, 2 5 10, तो ऊपर कितना बचेगा, 3 × 5 यानी 15 बचेगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। केवल कट किया है ना, डिवाइड किया और कुछ नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक अवतल दर्पण, अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस दिया गया है, किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, या तो किसका उपयोग कर सकते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, तो अगर आपको यहाँ पे दोनों प्रकार के दर्पण और दोनों प्रकार के लेंस के बारे में जानकारी है कि किसमें हमारा छोटा बनता है किसमें बड़ा बनता है, तभी आप बना पाओ बता पाओगे, वरना नहीं बता पाओगे। देखो, तो होता क्या है कि हमारे पास जब अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है, तब हमारी इमेज जो होती है इनलार्ज होती है, विवर्धित होके बनती है, बड़ी बनती है, ठीक है, ये कह सकते हो। तो ये हमारा जो अवतल दर्पण होता है, 4th ऑप्शन देखो यहाँ पे, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण हम जो दाढ़ी बनाने का जो शीशा आता है, या जो हमारे जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, है ना, वो कौन सा यूज करते हैं, अवतल दर्पण। जैसे दांत छोटा होता है तो अंदर वहां दिखता नहीं है, तो क्या करते हैं, वो अवतल दर्पण से वो उसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। यहीं पे बात करते हैं उत्तल लेंस की, हम लोगों ने तो इसको तो यूज भी किया होगा कभी, आपने साइंस की जो हम लोग के पास जो ज्योमेट्री बॉक्स निकलता था कभी कभी उसमें हुआ करता था, जिसमें हम कॉपी पे रखते थे थोड़ा ऊपर करके, इसमें हैंडल लगा होता था यहाँ पे ना, तो क्या वो बड़ा दिखाता था, तो वो क्या था, हमारा उत्तल लेंस ही था, ठीक है। जब छोटा दिखाएगा तो हमारा कौन सा लेंस होता है, वो छोटा हमारा दिखाता है अवतल लेंस। तो यहाँ पे बड़े की बात करी गई, तो ये हमारा दिखाता है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, दर्पण हमारा अवतल होना चाहिए, ठीक। तो हमारा ये 4th ऑप्शन सही है, इसको मैं एक बार डिटेल में पढ़ा दूंगा अलग वीडियो में, ठीक है, चिंता मत करो। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, ये हमारी बोई जाती हैं जून जुलाई में और नवंबर में काट ली जाती हैं, है ना, यानी बरसात के मौसम में है। इस टाइम कौन सा चल रहा है, जून जुलाई, बरसात ही चल रही है, और नवंबर में ये सब काट ली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी होती हैं, धान की होती है, हमारा 2nd ऑप्शन देखो, धान, मक्का, कपास और सोयाबीन, इनको पानी की आवश्यकता सबको ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई खरीफ की फसलों का समुच्चय। बाकी देखो यहाँ पे ये भी, ये तो कपास और धान तो खरीफ की है, लेकिन मटर और अलसी क्या है, रबी की फसलें हैं। यहाँ पे चना रबी की फसल है, सरसों, मूंगफली, गेहूं, ये सभी रबी की फसलें हैं। मक्का, धान तो खरीफ की फसल हो गई, अलसी, अलसी कौन सी है, अलसी हमारी रबी की फसल है, सोयाबीन तो हमारा खरीफ की फसल हो गई, ठीक है। तो हमारा 2nd ऑप्शन सही है, कौन सा, 2nd ऑप्शन, धान, मक्का, कपास और सोयाबीन, ये हमारी सब धान के साथ। देखो धान याद रखो, धान खरीफ का रिलेटेड है, और गेहूं जो हमारा रिलेटेड है वो रबी से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा याद कर पाओगे ढंग से, ठीक है। तो हमारा 2nd ऑप्शन चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो भैया अध्ययन कर लेते हैं पहले, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, खरपतवार की बात कर रहा है, तो खरपतवार फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि करते हैं, मतलब हेल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, नहीं, ये तो नुकसान पहुंचाते हैं, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल यार, जब खरपतवार ज़्यादा हो तो हमारी कटाई के टाइम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, भाई बिल्कुल प्रभावित करेंगे, आधा खाने पानी तो वही ले जाते हैं, जैसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ये फसली पौधों से जल, पोषकों और स्थान एवं प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, ये देखो 3 ऑप्शन लास्ट के सही हैं, कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, और जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, BCD, देखो कौन सा, हाँ ये 3rd ऑप्शन BCD, ये हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि वो तो नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सब सही है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताजे बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है ना। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों की सही व्याख्या करता है? तो देखो यार, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में यानी NaOH में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कौन सा हमारा पदार्थ बनता है? ये हमारा बनता है NaAlO2, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनता है हमारा, और H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो कैसी आवाज़ आती है? पॉप ध्वनि करती है, पॉप की आवाज़ आती है, ठीक है। यानी रंगहीन गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक आने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है, वो कौन सी गैस है? हमारी H2 गैस है ना। तो ये हमारी H2 गैस निकलती है तो ऐसे जलती है, तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? तो यहाँ पे देखो यार, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, जब H2O का जलीय विलयन जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास? ये बन जाता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, या फिर या तो H2SO4 बन जाएगा या हमारा H2SO3 बन जाएगा। दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों हमारे एसिड हैं, है ना। और एसिड की खासियत क्या होती है, ये हमारे नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल करता है तो कौन? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है, यानी जो समाप्त हो जाए? कोयला समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मृदा समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा? जल समाप्त होगा? नहीं। खनिज समाप्त हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। वन्यजीव समाप्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, प्राकृतिक गैस समाप्त हो सकती है, हाँ। सूर्य का प्रकाश समाप्त हो सकता है क्या? नहीं समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पे खनिज और वन्य जीव दोनों ही खत्म हो सकते हैं। यहीं पे क्या पूछा गया है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? खनिज और वन्य जीव। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों का कौन सा कथन सत्य है? विशेष क्षेत्रीय मतलब जो एक ही विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनकी बात कर रहा है। अपने आवास के नष्ट होने पर इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल गलत है यार, जब अपने ही क्षेत्र में वो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो अगर उनको उनका आवास ही खत्म हो जाएगा तब तो वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। ये केवल चिड़ियाघरों एवं वानस्पतिक उद्यानों में रहती हैं, चिड़ियाघरों में ये नहीं रह पाते हैं, इनको केवल अपने ही विशिष्ट आवास सही, जैसे कि थर्ड ऑप्शन दिया है, ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाए जाते, ना उनका ना दूसरी जगह पर उनका संरक्षण इतना आसान होता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कभी भी संकटापन्न नहीं सकते हैं। यार वो तो सबसे ज़्यादा संकटापन्न हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर अगर उनका आवास खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगह तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, वे केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? तो भैया हमेशा हम लोगों ने पढ़ा आनुवंशिकता के लिए दो चीज़ें जो है मानी जाती हैं, कौन कौन सी? जीन और क्रोमोजोम, गुणसूत्र हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। गुणसूत्र और जीन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है हमारी आनुवंशिकता के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 की बात कर 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है? तो सही वाला हमें ढूंढना है। देखो केंद्रक पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होते हैं? लवक। ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, हरित लवक जैसे हो गया। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल पौधों में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, केंद्रक, क्रोमोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसमें होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है हमारी पौधों में, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, किसमें पूछ रहा है? जीवों की पूछ है ना, जंतु कोशिका के बारे में बात कर रहा है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ये तीनों सही पाए जाते हैं। ये चार ऑप्शन देखो, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, किसमें? जंतु कोशिका में, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली की बात कर रहा है, ठीक है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट हमारा हरित लवक नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, ये हमारा पादप कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है, कौन कौन सी चीज ध्यान रखने वाली है? प्लास्टिड हो गया हमारा और हरित, प्लास्टिड और क्या है, कोशिका भित्ति, ये केवल हमारी पौधों में ही पाई जाती है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे चार समुच्चय दिए हैं, इनमें से सही संयोजन के समुच्चय हैं, सही संयोजन किसका किसका है वो हमें पता करना है। देखो तो यहाँ पे बात करें, पहले मैं शुक्राणु, तो किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है ना, शुक्राणु मेल में पाया जाता है, अंडवाहिनी अंड और गर्भाशय किसमें पाया जाता है? फीमेल में। तो ये ऑप्शन हमारा पूरा पहला ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये
अलग में पाया जाता है, ये मेल्स में पाया जाता है, ये हमारा फीमेल पाया जाता है, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय फीमेल में पाया जाता है, ये सही है, ये चारों के चारों फीमेल में पाया जाता है। शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका, शिश्न किस में पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है ना, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय किससे संबंधित है, ये फीमेल से संबंधित है। ये हमारा हो गया सेकंड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है मेल से संबंधित है, और जो बी और डी ऑप्शन है हमारा फीमेल संबंधित है, और ये जो पहला ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन है हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु क्या है, मेल से संबंधित, और बाकी हमारी तीन चीजें हैं फीमेल से संबंधित। तो पहला ऑप्शन देखो कौन सा सही है, बी सी डी ही सही है हमारा। देखो कौन सा सही हो सकता है, बी सी डी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना, आगे समझ में। छठे नंबर की बात करते हैं, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। तो टैडपोल क्या होता है, टैडपोल कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है, ऐसा ऐसा क्या लग रहा है, ये क्या है, आपको लग रहा है ये स्पर्म है, नहीं, स्पर्म के साथ साथ ये एक ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, टैडपोल का होता है। वो क्या होता है, मेढक, जो हमारे मेढक होते हैं, इनके जो छोटे छोटे अंडे होते हैं, अंडे से फिर ये क्या लंबी सी पूंछ निकलने लगती है। इसमें उस टाइम पैर कुछ भी नहीं होते हैं, पैर और कुछ भी नहीं होता, केवल यहाँ पे छोटा सा धड़ होता है और पीछे लंबी सी पूछ रहती है, इसी से तैरते हैं, है ना। तो ये जब इस स्टेज में जब हमारा मेढक का बच्चा रहता है तब उसको बोलते हैं टैडपोल। और इसके इस टैडपोल से एक विकसित मेढक बनने में जो जो कायांतरण है उसके लिए एक तत्व की, जल में एक तत्व की उपलब्धता आवश्यक होती है, वो कौन सा है, आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं है तो वो पूरी तरह से विकसित मेढक में नहीं हो पाएगा, इस टैडपोल से मेढक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन की आवश्यकता जरूरी है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी तीन उद्देश्य हैं बट एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल कौशल का विकास करना। तो भाई ये तो हमेशा से रहा हमारा है, है ना, ये उद्देश्य तो हमेशा रहा है, तकनीकी कौशल अर्जित करना। तो यहाँ पे क्या है, टेक्निकल स्किल अर्जित करना यहाँ पे हमारा उद्देश्य नहीं होता है। प्रक्रमण कौशल क्या होता है हमारा, प्रोसेस स्किल, है ना, प्रोसेस को समझना कि हाँ यार कैसे हो रहा है कुछ चीज़ें, इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है। तो ये समझना क्या, प्रक्रमण कौशल तो अर्जित करना होता ही होता है। साइंस का प्रक्रमण कौशल आप लोगों ने पढ़ा होगा, छः स्टेप होते हैं कुछ। फोर्थ की बात करते हैं, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है, बट हमारा तकनीकी कौशल अर्जित करना कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सेव जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को मतलब कैसा होना चाहिए। यही मतलब है ना कहने का, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तो भाई शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम कभी भी तैयार नहीं करते, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, विज्ञान शिक्षण का संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में ऐसा कोई खास मतलब नहीं है उसका। संगणना कौशल मतलब कंप्यूटेशन की बात कर रहा है, मतलब बच्चे जो है गुणा भाग मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करके, है ना, जोड़ घटाना, तो इसका भी इससे कोई विज्ञान से संबंधित कोई मतलब नहीं है इसका। विज्ञान सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम अनुसरण का अनुसरण करना, है ना। कहने का मतलब यह है, एनसीएफ ने माना कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण जो विषय है तो सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए, है ना, रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये मतलब होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा सही है। 79 की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, मतलब संज्ञानात्मक रूप से विज्ञान पाठ्यचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, ये क्या है। तो ये कह रही मांग क्या है इसकी, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए और उसके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ हमें पढ़ाई जाए ऐसी पाठ्यचर्या हो कि उनके बोध उनको समझ में आए, वो चीज़ अपने मन में बैठा पाएं, उसका यूज़ कर सकें बाद में, है ना, बोधन स्तर की पहुंच। ऐसा नहीं पढ़ा दिया वो बच्चों ने रटा के कैसे पास कर लिया, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगला ऑप्शन देख लेते हैं, उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए, है ना, साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन देने से हमारा कुछ काम हो जाएगा क्या, यही बात है ना, हमें केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, यही तो बात कर रहा है ना, बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, ना कि केवल हमें ज्ञान दे दें, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए, है ना, तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। पहले जो हमें सही लग रहे हैं पहले उस पर टिक करते हैं, जो गलत लग रहा है उसको तो हटा दो पहले। उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सकें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं,
तो यार ये सब चीजें हमें सराहना और ना सब कुछ नहीं हमें कराना, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए। दो ऑप्शन हमारे जो हैं ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि ये भी हमें सही लग रहा है, ये भी हमें सही लग रहा है, लेकिन सीटेट ने पहले ऑप्शन को ज्यादा सही माना है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है उससे। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए, लेकिन यहाँ और यहाँ पे कह रहा है कि हमारी पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बात पाठ्यचर्या की चल रही है ना, तो पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए हमारी कि आयु की दृष्टि से उपयुक्त हो और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होनी चाहिए, यानी समझ में उनके आना चाहिए, पाठ्यचर्या ऐसी बनाओ। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है, है ना, यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रमाण मांगना। तो भाई वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रमाण तो हमेशा ही मांगता है, पक्षपाती राय। देखो सेकंड ऑप्शन देखो, पक्षपाती राय वो नहीं रखता है, ये ऐसा नहीं है कि शिक्षक वो पक्षपात करे, जो चीज़ सही है वही सही है उसके लिए, है ना, ऐसा नहीं है कि आपके अपने मन से या किसी के कहने पे वो जो है अपना राय बदल दे, ऐसा नहीं कर सकता, वो करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पक्षपाती राय कभी नहीं रखता, तर्कसंगत चिंतन उसका होता है, ठीक है, तर्कसंगत चिंतन होता है और व्यापक सोच होती है, तो तीन चीज़ें हैं, तो पक्षपाती राय वो नहीं रखता, जबकि हमारा ऑप्शन क्या नहीं पूछा तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही होगा ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की NCERT की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या में प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया, मतलब NCERT की बुक्स में बहुत से दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उनको सॉल्व नहीं किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि, किस लिए किया गया है, आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार हो, नहीं, आकलन के लिए वो प्रश्न नहीं दिए गए होते हैं, कुछ और ही रीजन होता है। देखो क्या होता है, शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सके, गलत है, तो शिक्षकों को करना होता है ना यार, उसके उत्तर तो शिक्षक ही बताएगा या बच्चे खुद निकाल लें। शिक्षक गृहकार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके, नहीं, गृहकार्य के लिए भी प्रयोग नहीं करेगा। देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, यही सही होगा ऑप्शन, सीधी सी बात है, जब तीन गलत है तो, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन उत्तरों के प्रश्न प्राप्त कर सके, क्या मैंने बताया अभी तो बताया था ना, या तो शिक्षक बताए, उससे अच्छा है कि छात्र अपने आप उनकी खोज करें, है ना, स्रोतों से खोज करते हुए उत्तर प्राप्त कर सकें, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है, तो प्रश्न शामिल करने का यही मतलब होता है बहुत से। 82 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है, तो ये उन्होंने क्या किया है, हाँ, चार सावधानियां उन्होंने बताई है, उपयुक्त में से कौन सी सावधानी शिक्षक ने गलत बताई है, तो कौन सी गलत बताइए, क्या क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा है, थर्मामीटर को प्रयोग करने से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए, तो क्या ऐसा होता है क्या, चलो पहला ऑप्शन पढ़ो चारों, थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, तो यहाँ पे जो थर्मामीटर होता है, जो नीचे जो यहाँ पे रेड भरा होता है पारा, या व्हाइट कलर का जो होता है, सिल्वर कलर का, रेड या सिल्वर कलर का होता है, तो क्या होता है वो बल्ब होता है, उसको बल्ब बोलते हैं, यहीं पे तो पारा पड़ता है, अगर इसी को पकड़ लोगे तो उसी का तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर बताएगा, तो यहाँ से नहीं पकड़ा जाता है, ऊपर से पकड़ के टच किया जाता है, तो ठीक है, यह तो ऑप्शन हमारा सही है। थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री से कम है ना, उसका जो मरकरी स्तर क्या है 35 डिग्री से कम हो जाना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, उसकी रेंज काफ़ी कम होती है, तो और मान लो किसी का टेम्परेचर नाप लिया जाता है, टेम्परेचर नापने के बाद क्या होता है, वो पारा वहीं पे अटक जाता है, जैसे ये हमारा थर्मामीटर है, अगर यहाँ तक पहुँच गया तो वहीं पे वो अटका रहेगा, है ना, तो हम जब नेक्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते तो उसको हम क्या करते हैं, झटक लेते हैं, झटकने से क्या होता है, पारा फिर नीचे आ जाता है, ठीक है, तो ये तरीका बिल्कुल सही है, तो देखना चाहिए हमें 35 से कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। थर्मोमीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पढ़ना चाहिए, है ना, जो थर्मामीटर को जो स्तर बना में क्या होता है, अभी जो लेवल है सामने यहाँ पे है, तो यहीं पे आँख हमारी होनी चाहिए, यहीं पे हमारी आँख होनी चाहिए, यहीं पे, ऐसा नहीं है कि ऊपर है यहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमारे अगर यहाँ पे है तो ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो क्या रीडिंग हमारी गलत आ सकती है, तो ये तीनों ऑप्शन तुम्हारे सही है। पहला ऑप्शन देखो, थर्मामीटर को प्रयोग करने से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए, हमें गर्म पानी से उसको नहीं धोना होता है, ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन गलत है, पहला ही हमारा गलत हो गया। 83 की बात करते हैं, कक्षा 8 के लिए NCERT पाठ्यपुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, है ना, गतिविधि और परियोजना भाग क्यों रखा गया उसका है, आधारभूत संकल्पनाओं को की गहन समझ को बढ़ाना, देखो यार अभी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा ना, तो चारों ऑप्शन पढ़ो पहले, जब कभी कुछ समझ में नहीं आया तो चारों ऑप्शन पहले पढ़ो, उसके बाद ही टिक करना, ध्यान रखना।
छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, तो यार ऐसा तो कोई खास मतलब होता नहीं है। प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना, तो गतिविधि और परियोजना का भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या आकलन करना है? नहीं, आकलन किसी और चीज़ से किया जाता है, यहाँ से उसका कोई खास मतलब नहीं है। अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन सही है। देखो फोर्थ ऑप्शन, जो हमारे पास एक्स्ट्रा गतिविधि और जो प्रोजेक्ट वर्क दिया होता है वो किस लिए होता है? अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज शायद नहीं कर पाए। बुक्स में दी होती तो बच्चे घर के लिए बोल देते हैं कि हाँ आप लोग एक्टिविटीज़ करिए या इसमें इस प्रोजेक्ट में भाग लीजिए, है ना। ये चीज़ें आधारभूत संकल्पनाओं को की गहन समझ को बढ़ाने के लिए हम एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत से रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते हैं, है ना। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 84 की बात करते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, तो विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेडिंग करना, नहीं गलत हो जाएगा, जहाँ पर ग्रेड की बात आए तो वहाँ पर काट दो। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, तो प्रदर्शनी बनाने का मतलब ये थोड़ा ना कि हम जो है उनसे प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन गलत है। शैक्षणिक निष्पादन का क्या मतलब है? एकेडमिक जो हमारी होती है, एकेडमिक को अच्छा करने की बात करें, एकेडमिक मतलब यार मार्क्स की बात कर लो एक तरीके से, एकेडमिक अच्छा करने का क्या मतलब है? नहीं मार्क्स अच्छे करने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा वैसे भी गलत होने वाला। थर्ड ऑप्शन देखो, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, प्रदर्शनी मतलब अवसर उपलब्ध करा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। 85वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। निदर्शन पाठ मतलब डिमोन्स्ट्रेशन लेशन की बात कर रहा है। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया, यानी 4 लोग थे तो अपना अपना टेक्निक अपनाएंगे, सीधी से बात है यार। तो पहले ने क्या टेक्निक अपनाई, पढ़ाने की विधि क्या अपनाई? श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करी उसने। दूसरे ने क्या किया, विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का उपयोग किया। तीसरे ने किया हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन किया। व्याख्यान के दौरान सभी कक्षा कक्षी प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो उपयुक्त उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होगा? तो सर्वाधिक प्रभावी कौन सा होगा हमें ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा सा लग रहा है। देखो जब हम पढ़ा रहे तो सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है? देखो पहले ने क्या किया भाई, वो तो व्याख्या कर रहा है, तो भाई अभी बच्चे छोटे हैं यार, अभी 6 to 8 जो क्लास के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो उनको हम व्याख्या से नहीं पढ़ा सकते, ठीक। तो गलत हो गया। विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग, हाँ उसने कुछ हद तक तो ये चीज़ें अच्छी करी हैं, पहले वाले से उसने अच्छा किया है, लेकिन थर्ड वाले ने जो सबसे अच्छा किया है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि, बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे हैं यार, गतिविधि से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्या? क्योंकि गतिविधि में बच्चे अपने जो है ज्ञान का जो का है क्या करते हैं, वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, जब हाथों से करके सीखते हैं तभी तो उनको ज़्यादा समझ में आता है ना, इसलिए सबसे बेस्ट यही है ना, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और उसी का जो सिलेक्शन भी होगा, है ना, ठीक है। 86 की बात करते हैं, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षी प्रश्नों की तकनीकी का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कक्षा कक्ष में जो प्रश्नोत्तरी होती है बच्चे पूछते हैं शिक्षक पूछता है, तो इस टेक्निक का क्या उपयोग किया जा सकता है? सीखने का स्तर सुनिश्चित करने में, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, देखो अनुशासन की तुम्हें बात ही नहीं करनी है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ा ना प्रश्न पूछते हैं, नवाचार और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में, तो यार प्रश्न पूछने में नवाचार और सृजनात्मकता कहीं से भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। सृजनात्मकता का प्रश्न पूछने से क्या मतलब है, या फिर चलो नवाचार से क्या हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने में और समस्या समाधान कौशलों का विकास करने में। समस्या समाधान कौशल क्या होते हैं यार? समस्या समाधान जब हम कोई ऐसी चीज़ बच्चों में डेवलप करें कि अपनी समस्याएं जो उनके पास सामने आ रही हैं वो खुद सॉल्व कर पाएं, इस काबिल जब हम इस टाइप की जो टेक्निक्स जो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो वो चीज़ हम कक्षा कक्षी प्रश्नों के माध्यम से नहीं सिखा सकते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन होगा, सीखने के लिए सीखने का स्तर सुनिश्चित करना, है ना भाई। प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं कि बच्चे सीख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, हमने ऐसा नहीं है कि हमने 30 मिनट की क्लास ली है आप कुछ समझ ही नहीं आया,
है ना। तो इसके लिए कक्षा कक्षी प्रश्नों का जो है टेक्निक यूज करी जाती है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। ये चरण सही क्रम में नहीं है, तो ये चार चरण है तो ये सही क्रम में नहीं है, इन चरणों का सही क्रम क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ये क्रम होता है, ध्यान रख लो। परीक्षण किए जाने वाले पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्मैश कर लो, पाउडर बना लो या पेस्ट बना लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, ये बन गया। अगले स्टेप में क्या करना है हमें, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग क्या कहे परख नली में डालना है, फिर 10 बूंद उसमें जल मिलाना है और परख नली को हिलाना है, ठीक है। पहले पेस्ट बनाया, उसमें 10 बूंद परख नली में लेके 10 बूंद जल डाला हमने, ठीक है। थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर क्या है, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप पे कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया। फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन को डालना और भली बात हिलाना है। सबसे लास्ट में कास्टिक सोडा मिलाएंगे 10 बूंद। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने पहले तो पेस्ट बना लिया, फिर 10 बूंद क्या कर जल डाला हमने, फिर 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाला, फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा डाला, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब बनेगा हमारा बैगनी कलर का, वायलेट कलर का जो है हो जाएगा, जो हमारा विलयन जो हमारे जो भी हमारा जो बन के आया लास्ट में, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, बैंगनी होना चाहिए। अगर बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब वो उसमें प्रोटीन है, अगर नहीं होता है, कलर चेंज नहीं होता है, कलर चेंज होकर बैंगनी ना हो या कोई और हो जाए, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेट हमारा कौन सा होगा, BA, BA, DC, देखो BA, DC सेकेंड ऑप्शन होगा, BA, DC। देखो पहले क्या किया हमने, पेस्ट बनाया, 10 बूंद पानी डाला, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 10 बूंद कास्टिक सोडा डाला, कलर कैसा होना चाहिए, बैंगनी, ठीक है, याद कर लो। 88 की बात करते हैं, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। तो किसी पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है, यही चीज पूछ रहा है। वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेश्वर। देखो पुंकेश्वर क्या है, मेल पार्ट है। वर्तिकाग्र और अंडाशय क्या है, हमारे फीमेल पार्ट है किसी पुष्प के, है ना। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई मेल मेल और फीमेल एक ही में ऐड कर दिया उसने। वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ठीक है ना, ये सही है सेकेंड ऑप्शन। देखो इसे कोई भी यहाँ पे ये पुष्पासन हमने बना दिया, मान लो ये हमारा पुष्प है यार, ये हमारी पेटल्स हो गई, ये अंडाशय हमारा है, सॉरी ये क्या है हमारी, ये हमारा अंडाशय है यहाँ पे, ये हमारी वर्तिका है और ये ऊपर होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसके किनारे किनारे भी छोटे छोटे तंतुमय लगे रहते हैं धागे जैसे, है ना, यहाँ पे भी ऐसे बना होता है। ये क्या होता है, जो बिल्कुल बीच में होता है वो हमारा होता है वर्तिका, और ऊपर जो फैला रहता है वर्तिकाग्र होता है। इसी के साइड में हमारे बने होते हैं किनारे किनारे जो लगे होते हैं वो हमारे पुंकेसर होते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन दिखेगा, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये हमारे फीमेल पार्ट है, पुंकेसर मेल पार्ट है, और यहाँ पे भी बाह्य दल, ये कोई हमारा उसका पार्ट नहीं है, फूल का पार्ट, फ्लावर का पार्ट है, लेकिन ये हमारे किसी भी फीमेल और फीमेल का पार्ट नहीं है, ठीक। 89 की बात करते हैं, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अगर हमारी कोई भी अस्थि है, उस जो गति हो रही है, जैसे हाथ है, अभी कभी ऊपर नीचे करें हम, ठीक है ना, ये हमारा मान लो एल्बो है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसको अगर हमें कार्य कराना, तो इस हड्डी में कितनी हमारी जो है पेशियां होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी 2, है ना, कम से कम 2 पेशियां। मान लो अगर इसी हाथ को हम ऊपर उठाएं, तो ऊपर तो उठा लेंगे, अगर एक पेशी होगी, केवल एक ही पेशी हो तो ऊपर उठ जाएगा, बट ये वापस नहीं आ पाएगा, वापस आने के लिए दूसरी पेशी काम आएगी। एक टाइम पे एक पेशी खींच सकती है तो दूसरी उसको वापस खींचती है ना। या तो अगर एक ही पेशी है तो हम केवल एक काम कर सकते हैं, या तो हम धक्का दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं किसी चीज को, लेकिन हम उसको वापस अपनी पोजीशन पे हाथ को नहीं ला पाएंगे। जब दोनों होंगी तो दोनों हमारे काम हो जाएंगे, पुश और पुल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 होती हैं, ध्यान रखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहली बार देखा था। लास्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। जैविक मतलब जो लाइव हो, यहाँ जीवित हो, है ना, उनका निरूपण करता है। तो क्या बालू जीवित है क्या, नहीं। चट्टाने जीवित है क्या, नहीं। तो ये तो पहले गलत हो गया। कीट, कीड़े मकोड़े, मेढक, मछली, जलीय पादप,
तो जलीय पादप है ना यहाँ पे, तो यही ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही तीनों हमारे जीव हैं, जैविक तो है ही है ना, जो जीवित है वो जैविक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो ये बाघ है, हरिण यानी डियर हिरण की बात हो रही है, घास, घास भी जीवित है, मृदा, मृदा जीवित है क्या, नहीं, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, कीट, जल, जल जीवित है क्या, नहीं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है यार, कीट, मेढक, मछली और जलीय पादप। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। ठीक है, ये सब्सक्राइब करना है आप लोग को, वीडियो को करना है शेयर। अगर आपको कोई दिक्कत है यार किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप क्या करो, सीधे हमें मैसेज कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है, और ये मेरा नंबर है 91 40 74 90 12, इस पर आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, और चलो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, चैनल का नाम तो बता दो यार, क्या नाम है, Teacherify, Teacherify। ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय।